हेलो दोस्तों, मैं हूं सिताज। आप देख रहे हैं टेक्निकल सिताज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तत्काल टिकट आप आसानी से कैसे बुक कर सकते हैं। जिस तरीके से आप नॉर्मली किसी टिकट को बुक करते हैं, उससे बेटर, उससे बेस्ट आप कह सकते हैं। इस तरीके को आप यूज़ करके तत्काल टिकट आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते रहिएगा, इसको क्विट ना करिएगा, बीच में स्किप ना करिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ दोस्तों आपको बता दूँ, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपके, चाहे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो चाहे लैपटॉप, उसके बगल में एक बेल का आइकन आ जाएगा, उस पर अभी आप क्लिक कर लीजिएगा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जरूरी दोस्तों, मैं इसको वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप अगर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर आप क्रोम ब्राउज़र में आप गूगल खोल लीजिए। ठीक है, चलिए, मैंने गूगल खोल रखा पहले से ही। तो चलिए, आप गूगल खोलिए, इसमें आप टाइप करिए तत्काल तत्काल टिकट नाउ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आएगा नीचे तत्काल टिकट नाउ, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। तत्काल टिकट नाउ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा ये ऐड आ गया, ऊपर नीचे आएंगे आप, देखिए तत्काल टिकट नाउ क्रोम वेब स्टोर चौथे नंबर पर है, आप क्रोम वेब स्टोर पर आप क्लिक कर लीजिए। एक्चुअली दोस्तों, एक एक्सटेंशन है, आपके क्रोम ब्राउज़र में जुड़ जाएगा एक्सटेंशन, तो इसको मैंने पहले से जोड़ रखा है, बस मैं आपको केवल बताने के लिए कर रहा हूँ चीज़। इस तरीके का पेज आपके सामने खुल के आएगा, जब आप तत्काल टिकट नाउ गूगल में टाइप करेंगे, उसके बाद उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एडेड टू क्रोम। एक्चुअली इसको मैंने पहले ऐड कर लिया है, इसलिए एडेड दिखा रहा है। आप अगर नए होंगे तो यहाँ पर होगा ऐड टू क्रोम, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, 2-4-10 सेकेंड लगेगा, आपके क्रोम ब्राउज़र में ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको ऐड कर लीजिएगा इस चीज़ को क्लिक करके। चलिए मैं इसको फिर से ओपन कर लेता हूँ अभी। जब आपका दोस्तों ऐड हो जाएगा एक्सटेंशन, अब मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से ऐड होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, जहाँ मेरा माउस जा रहा है, यहाँ पे तीन डॉट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ला कोने में तीन डॉट के बगल में आप देख सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तत्काल नाउ लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इसी पर तत्काल नाउ पर आपने एक्सटेंशन ऐड कर लिया, तत्काल नाउ पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का पेज आपके सामने खुल के आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ, थोड़ी एक चीज़ बता देता हूँ। एक्चुअली जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसको एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ आपका टिकट बुक ही हो जाएगा, लेकिन आपके जो आप नॉर्मली टिकट बुक कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको चांसेस हो जाते हैं कि आपका टिकट बुक हो जाएगा। आपके पास बहुत अच्छा नेट होना चाहिए और इस तरीके को आप यूज़ करके 95-98% चांसेस आपके कंफर्म हो ही जाते हैं कि आपका टिकट बुक हो जाए, क्योंकि इस तरीक़ों को यूज़ करके मैंने बहुत बार टिकट बुक किया हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। यहाँ पे इस तरीके का जो पेज खुल के आएगा आपके सामने, तो देखिए यहाँ पे है बुक नाउ एडिट डिटेल, ये सब एक टिकट मैंने ऐड किया है, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, आपको शुरू से बताता हूँ, डिलीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है ऐड टिकट, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ऐसे खुल के आएगा, आप देख लीजिए IRCTC लॉगिन डिटेल। अगर आपके पास IRCTC लॉगिन ID और पासवर्ड है, तभी आप इस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। यानी जिस तरीके से आप IRCTC की वेबसाइट पे जाके आप टिकट बुक करते हो, यूज़र नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड है तब आप टिकट बुक करते हो, तो अगर वो आप चीज़ आपके पास है तभी इस चीज़ को आप फॉलो करके टिकट बुक कर पाएंगे। तो चलिए मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लेता हूँ। ठीक है, पासवर्ड डाल लेता हूँ। ठीक दोस्तों, मैं ये चीज़ जो बता रहा हूँ आपको, बस एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने सही से इंटर किया है। चलिए, आप किस स्टेशन से किस स्टेशन तक को आपको ट्रेवल करना है, मान लीजिए मेरे को आजमगढ़ से ट्रेवल करना है, इसका शॉर्ट कोड AMH है, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ आजमगढ़। ठीक है, और कहाँ तक, LTT यानी लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई तक का। ठीक है, और ट्रेवल डेट मान लीजिए मेरे को 20 को करना है, मैं 20 को, मैंने बोला पहले कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअली जैसे कि आपको कल ट्रेवल किसी कल की डेट में आपको ट्रेवल करना है, तो तत्काल टिकट एक दिन पहले बुक होता है। ये मैं बता रहा हूँ प्रोसेस आपको तत्काल टिकट बुक करने के लिए, ऐसा नहीं कि तत्काल के लिए, किसी भी टिकट को आप बुक कर सकते हैं, लेकिन ये तत्काल के लिए ही यूज़ किया जाता है बढ़िया से। तो अब तत्काल टिकट तो मैं बुक नहीं कर रहा हूँ,
क्यों? क्योंकि इस समय देखिए 8:25 अभी सुबह के हो रहे हैं, तो तत्काल टिकट अगर आप एसी का बुक करते हैं 10 बजे होता है, स्लीपर का बुक करते हैं तो 11 बजे स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको स्लीपर का बुक करना है तो आप 11 बजने में 5-10 मिनट पहले आप इस सभी प्रोसेस को आप पूरा कर लेंगे तो आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो चलिए मैं तत्काल में बस स्लीपर के बस आपको दिखाना चाह रहा था, तो मैं यहाँ पर स्लीपर कर देता हूँ, ठीक है, तत्काल के यहाँ जनरल कर देता हूँ और ट्रेन नंबर मैं डाल देता हूँ 11056। उस दिन को 11056 गोदान एक्सप्रेस यहाँ से यहाँ जाएगी। इस चीज़ को भी आप जान लें कौन से ट्रेन किस डेट को जाएगी, इससे आपका बहुत ही बेनिफिट होगा ताकि आपको दिक्कत आगे ना हो। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए एसी या स्लीपर, जो भी आपको करना हो। मैं मान लीजिए स्लीपर पे क्लिक कर लेता हूँ। अब नीचे थोड़ा आएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए पैसेंजर डिटेल्स है, कौन से पैसेंजर को जाना है अपना उसका नाम डाल दीजिए। मैं मान लीजिए मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ, ठीक है, नाम डाल के एज डाल लीजिए, यहाँ पे मेल या फीमेल डाल दीजिए, बर्थ प्रिपरेशन लोअर या मिडिल कौन सा सीट आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर लीजिए, आगे का जो भी ऑप्शन आप छोड़ दीजिए। जितने लोगों को जाना है उस तरीके से आप नाम डाल के मेंशन कर दीजिए, मैक्सिमम 6 टिकट बुक हो पाएगा। मान लीजिए 2, 4, 6 जा रहे हैं, सबका नाम डाल के आप कर लीजिए, ठीक है। आप नीचे आइए थोड़ा, चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, अगर 5 साल से नीचे का कोई बच्चा है उसको आप भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए इसको नहीं करना है, यहाँ पे आइए देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है, यस आई एंड आई एक्सेप्ट, इस पर आप क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसमें 92 पैसे काटते हैं, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाती है, अगर कभी ट्रेन में दुर्घटना या कुछ होता है तो आपको उससे जो बेनिफिट मिलना होता है तभी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आइए मोबाइल नंबर डाल लीजिए अपना, चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। ये जितने ऑप्शन आपको उसको रहने दीजिए, अगर आप पढ़ के इसको कुछ और करना चाहते हैं कि यहाँ का कंफर्म टिकट मिले तभी मैं बुक करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, तो नीचे चले जाइए, इसमें आप बाकी आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखिए पेमेंट मोड किस तरीके से आपका पेमेंट पैसा कटेगा अगर आप टिकट बुक करते हैं, तो चलिए मैं नेट बैंकिंग यूज़ कर रहा हूँ, नेट बैंकिंग रहने देता हूँ। सेलेक्ट बैंक, बैंक कौन सा बैंक, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI है, इसको जैसे मैंने सेलेक्ट किया देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड गलत डालूंगा, क्यों गलत डालूंगा, क्योंकि अगर मैं सही डालता हूँ, हालांकि मैंने आपको बस एक दिखाने के लिए इसको बता रहा हूँ मैं, तो ऑटोमेटिक टिकट बुक ही कर देगा, इसलिए यहाँ पे गलत डालूंगा ताकि वहाँ पे जाने के बाद ये चीज़ रोक दे, हाँ आपने गलत डाला है, ठीक है। मान लीजिए मैं कोई भी यूज़र ID डाल दे रहा हूँ, पासवर्ड भी कुछ भी करके, ठीक है। नीचे आप आएंगे, आप देख लीजिए सेव एंड बुक नाउ, दूसरा ऑप्शन है सेव एंड बुक लेटर, यानी अगर आप अभी आपको बुक करना है तो आप तुरंत इस पर क्लिक कर लेंगे, अगर बाद में बुक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए 5-10 मिनट पहले आपने इसको किया और 11 बजने वाले हैं, या एसी का कर रहे हैं 10 बजने वाले, उसके पहले 5 मिनट पहले स्लीपर करना है तो उसके 11 बजने में 5 मिनट पहले आप इसको इस पर क्लिक करेंगे, सेव एंड बुक लेटर, यानी आपका टिकट सेव होगा, यहाँ पर आएगा आपका टिकट सक्सेसफुली सेव, ओके कर लीजिए, ठीक है। ओके करने के बाद आपने अपना पूरा डिटेल सेव कर दिया इस चार्ट में, ठीक है दोस्तों। अगर और भी तेज़ थोड़ा काम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे IRCTC की जो वेबसाइट उसमें लॉगिन हो जाइए एक बार, ठीक है। आप उस पर लॉगिन अगर हो जाएंगे एक बार तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, ताकि आपको बाद में इसका कैप्चा वैप्चा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं थोड़ा IRCTC पहले इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे IRCTC से आप लॉगिन नहीं भी करते हैं तो जैसे ही आप, मैंने बताया टिकट आपका सेव हो गया है, देखिए यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है। अगर इसमें आप लॉगिन नहीं भी करते हैं इसको, तो आप सीधे तत्काल नाउ का जो मैंने इसको पेज को सेव किया था, तो आप चले आइए इस जगह पे, जो यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं कोने में, इसके बगल में ए है, यहाँ पर तत्काल नाउ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही जो मैंने टिकट सेव किया था, देखिए आपके सामने यहाँ पर ये चीज़ आ गया कि कहाँ से कहाँ तक का सेव किया है, क्या गाड़ी नंबर है, कौन से डेट में है। देखिए बुक नाउ एडिट डिटेल डिलीट, ठीक है। मान लीजिए मेरे को बुक अभी करना है तो अभी तुरंत हम इस पर क्लिक करेंगे, इसे 11 बजने वाले हैं, तुरंत इस पर आप क्लिक करेंगे। और एक चीज़ उससे करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए एक ऐप कोड दिया हुआ है, एक्चुअली इसलिए है कि जब भी आप टिकट बुक करते हो तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, 1 टाइम पासवर्ड, जब आप किसी पेमेंट मोड को चुनते हैं, जैसे नेट बैंकिंग आपने चुना तो आपके बैंक से आपके नंबर पर एक OTP आता है, आप उस OTP को इंटर करते हैं तभी आपका काम होता है। उस OTP से बचने के लिए आप तत्काल टिकट नाउ ऐप को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेशन कोड होता है वहाँ पे, एक ऑप्शन वहाँ पे आप इस कोड को डाल देंगे,
इसको डालने से दोस्तों बेनिफिट ये होगा कि आप जब भी आपके नंबर पे ओटीपी आएगा ऑटोमेटिक आपके मोबाइल से ये आपका सिस्टम रीड कर लेगा, आपको ओटीपी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी उससे भी आप बच पाएंगे, इसलिए यहाँ पे कोड है। ठीक है, तो चलिए मैं बुक नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। मारे मेरे को टिकट बुक करना, तुरंत क्लिक किया हमने, आप ये तुरंत IRCTC वेबसाइट पर देखिए यहाँ पर आ गया। यूज़र नेम अपने आप फिलअप कर दिया, पासवर्ड फिलअप कर दिया, बस केवल कैप्चा डालना है। अगर इस सब चीज़ से भी आप बचना चाहते हैं तो एक बार अपना IRCTC अकाउंट से लॉगिन एक पेज में हो जाइए, एक पेज में इसको रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे लॉगिन पे, अभी देखिए ऑटोमेटिक सब अपने आप काम करने चालू कर देगा, उसके बाद आपको कुछ करने की कुछ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए मैं इस पर लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ, ना तो आपका यूज़र ने सॉरी आपका सोर्स स्टेशन ना ही कुछ डालने के, देख लीजिए आप ये सब ऑटोमेटिक करने हैं, देख सकते हैं आप मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब ऑटोमेटिक कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए ये चीज़, द सिलेक्टेड ट्रेन इज नॉट अवेलेबल ऑन द सिलेक्टेड डेट, प्लीज़ चेक इफ द डेट इज इंटर्ड इज करेक्ट। एक्चुअली दोस्तों इसलिए यहाँ पे मैसेज दिया मेरे को कि आपने जो ट्रेन सेलेक्ट किया जिस डेट में, वो ट्रेन उस डेट में है ही नहीं, तो आप दूसरी ट्रेन, यानी आपको अगर टिकट बुक करना है तो आप पहले से ही कौन सी ट्रेन जा रही है किस डेट में उसको आप बढ़िया से जान लीजिए अच्छे से, उस ट्रेन नंबर को आप डालिएगा उस फॉर्म में, तो आप ऑटोमेटिक उस सेक्शन पे जल्दी जाके छोड़ देगा लास्ट में, बस आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका पेमेंट में सब कट जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखा जहाँ तक कि इसको आना था वहाँ पर आया, यहाँ पर ना तो हमने फॉर्म स्टेशन किस स्टेशन से किस स्टेशन तक किस डेट को जाना है कुछ हमने डाला नहीं, जैसे मैंने इसको लॉगिन किया ऑटोमेटिक इलाके पे इसी पेज पे छोड़ दिया, ये और भी आगे चला गया होता। एक्चुअली मैंने जो डेट डाला था वो गलत डाला था कि उस डेट में उस ट्रेन चलती नहीं है, इसलिए उस नंबर की ट्रेन, इसलिए ये चीज़ नहीं हो पाई। तो दोस्तों इस तरीके से आप करके आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होगी, आप तत्काल टिकट आसान, बहुत ही आसान तरीके से आप बुक कर सकते हो। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, जब भी आप ट्रेन नंबर सेलेक्ट करते हैं किस डेट में कौन सी ट्रेन जाएगी उसको आप कंफर्म कर लीजिएगा कौन सी डेट में, वहाँ से बढ़िया से फिलअप करिएगा। एक्चुअली मैंने इसको उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर इस पेज इसी पेज पर ला के छोड़ दिया, नहीं तो इस पेज को आगे बढ़ा दिया होता, अभी पेमेंट पे ले आके छोड़ता, मेरे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी नहीं करने की। OTP आता, मैंने उसको एक्टिवेशन कोड को एक्टिवेट कर रखा, OTP भी ऑटोमेटिक रीड कर लेता। ठीक है, और इसका एक बेनिफिट दोस्तों यहाँ पे ये है, अगर IRCTC की वेबसाइट आप लॉगिन करते हैं, तत्काल टिकट का क्रोम एक्सटेंशन आपने ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे देखिए 8:32:54 इसमें जो डेट समय चल रहा है यहाँ पे आपको शो करता है, एग्जैक्ट समय आपको शो करता है। अगर वो चीज़ आपने यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं ऐड कर रखा तो ये चीज़ आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके को फॉलो करके आप तत्काल टिकट बहुत ही आसान तरीक़ों से आप बुक कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय।